पटना से बड़ी खबर आ रही है, महिला पार्षद पिंकी कुमारी ने मेयर पुत्र पर आंख मारने का आरोप लगाया है। मेयर पुत्र सीता साहू के बेटे शिशिर पर यह आरोप लगाया गया है, साथ ही उन्होंने उनके साथ छेड़खानी करने का भी आरोप लगाया। जब उन्होंने विरोध किया तो मेयर और उनके समर्थक गुस्से में आ गए और उन लोगों के साथ हाथापाई की गई। महिला पार्षद ने कहा कि वो अभी कोतवाली थाना जा रही हैं और उसके खिलाफ केस दर्ज करेंगी। कोतवाली थाने में महिला पार्षद पहुंचेगी। अभी नगर निगम की बैठक के दौरान ये घटना हुई। नगर निगम पे कब्जा करता है, हमने मेयर को चुना था सीता साहू के रूप में, ना कि शिशिर को। यही बात का बदला हमसे लिया जा रहा है, इसीलिए आज अभद्रता हमसे किया गया। अभद्रता का व्यवहार, इशारा किया और आंख मारा जी। आंख मारा क्यों? आंख मारा मतलब जैसे गंदे इशारे आते क्यों? सिटी मैनेजर गंदे इशारे इसलिए हुए कि पहले जो कंकड़बाग की माननीय पार्षद है, जैसे ही बैठक शुरू हुई तो माननीय पार्षद कंकड़बाग की जितनी भी पार्षद है 12, वो सभी उठ के मेयर के चेयर के पास चली गई और कहने लगी कि हमारा इज्जत नहीं किया जाता है, जो स्कूटी अफसर है पूनम जी उनको हटाया जाए। काफ़ी बोलने के बाद, विरोध के बाद मेयर को बोलना पड़ा ठीक है हटा दिया जाएगा। उसके बाद और भी माननीय पार्षद और भी समस्या और क्षेत्र की समस्या पे बात की है। उसके बाद जब हम बात की सिटी मैनेजर जो संजय कुमार है, उसका आदेश लेटर करीब 1.5 महीना पहले आया हुआ था, तो उस पर हम सीधे नगर आयुक्त और माननीय मेयर से सवाल किए कि 1.5 महीना पहले जब आदेश लेटर हटाने के लिए आया गया था और इसको तत्काल बेगूसराय भेजने का आदेश जब दे दिया है, तो इसको क्यों आप रख रहे हैं? ये गबन का मामला है, उधार किसी से लिया हुआ है तो उसको सूद समेत देने की बात इस लेटर में की गई है। जो आदेश लेटर हमारे पास नगर निगम मुख्यालय के पास आया, उसके बाद भी 1.5 महीना क्यों आखिर आप रोक के रखे, दबा के रखे, इसके मतलब क्या कारण? दे 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 हमारे पास आदेश लेटर आ जाता है, आपके पास नहीं आता, तो नगर आयुक्त बोले कि नहीं हमारे पास नहीं है। हमले नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। हमको इतना तक पता चला है कि आपके पास गया था और आप डांट के भगा दिए बड़ा बाबू को। उसके बाद आज जो घटना हुई है उसको लेके FIR आप दर्ज करवाइएगा, कहाँ कहाँ गुहार लगाने जाइएगा ये बताइए। जैसा कि हम वहाँ भी बोल दिए हैं कि अगर आइंदा मेरे साथ फिर से अभद्रता का व्यवहार करेगा तो हम न्यायालय जाएंगे, महिला आयोग जाएंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाएंगे और उनसे गुहार लगाएंगे, एक बार इसकी जाँच कर ली जाए। इसलिए कि एक महिला पार्षद जो ओल्ड थी वो कह रही कि झूठ बोले, अब क्यों झूठ बोले? अगर इस तरह की मेरे में आज मेरा दूसरा टर्म है, मेरा ये दूसरा टर्म है, अगर इस तरह की बात रहती हम वैसे ही रहते तो इससे पहले भी तो बात आती, हम क्यों इतना झूठ बोलेंगे, अपने ऊपर क्यों आरोप लगाएंगे? सच्चाई बोल रही है, FIR करिएगा। हम करेंगे इसलिए क्योंकि हाथ हम पे उठा दिया गया है। इंद्रदीप चंद्रवंशी है जो 48 वार्ड का पार्षद है, वो हम पे हाथ उठा दिया है। उठा लो। आपको ये भी बता दे कि इतना डर है माननीय पार्षदों को मेयर के सुपुत्र से कि कोई बढ़ के हमारा मदद भी नहीं करेगा। वो इसलिए डर है कि उसको डर है कि इतना तेजी से काम हो रहा है तो काम रोक दिया जाएगा। इतना आपके साथ हुआ तो पुलिस के शरण में अभी FIR दर्ज कराने जा रही हैं आप? हम आवेदन अभी नहीं लिखे हैं, हम इसलिए अपने कार्यालय पे आए हैं कि आवेदन लिख के हम FIR करें। मेयर के कहने पे जाते हैं, मेयर कुछ पार्षद जो है उनके विपरीत चलते हैं, जो एजेंडाए जाते हैं और निगम हित के लिए, चूंकि हम पुरानी पार्षद है, पिछले बार भी मेरा 5 साल रहा है, पुरानी होने के कारण कुछ जानकारी हमें भी है, तो उसको लेकर हमको लगता है कि कोई एजेंडा निगम हित के लिए नहीं है, पटना वासियों के हित के लिए नहीं, तो सीधे मेरा विरोध रहता है कारण दर्शाते हुए। और वो चाहती हैं कि नहीं पास करें, तो हम आज भी बोले हैं कि मैडम सिर्फ हम पास करने के लिए यहाँ नहीं बैठे हैं, हम मेरे जहन में बहुत सारा क्वेश्चन है, पहले उसका जवाब दीजिए उसके बाद पास करने के बारे में सोचिएगा। जैसा कि मेयर जान बूझ के रखती है कि कोई भी अगर भटकेगा
तो उसको टारगेट कर लेना। यहाँ तक कि जो उसका सहयोगी जो सब जानता है, मेयर का दाहिना हाथ बाया हाथ जो बोलिए, जो इंद्रदीप चंद्र बंसी है, वहाँ भी बोर्ड की बैठक में लगातार हमसे अभद्रता के साथ व्यवहार किया। मेयर जवाब नहीं दे के जवाब वो दे रही थी, कमिश्नर जवाब नहीं दे के जवाब वो दे रहे थे, इंद्रदीप चंद्रवंशी। और अंत तब हो गया जब उन पे हाथ चलाने की कोशिश की गई, हाथ हम पे उठा दिया गया था। किसके परिजन में उठाया गया? मेयर मैडम भी थी और भी माननीय पार्षद थे, सतीश गुप्ता भी हमसे बहुत उल्टा सीधा बात कहे कि आप जानबूझ के ऐसा कर रही हैं, स्टैंडिंग से हटाए गए इसलिए आप कह रहे हैं, हमने स्टैंडिंग से हम खुद हटे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं अनर्गल चीज वहां पास होता था, उसका हम हिस्सा नहीं बनना चाहते। चाहेंगे कि शिशिर कुमार आगे से निगम की बैठक? हम बिल्कुल चाहेंगे, हम चाहेंगे कि वो हमसे साक्ष्य मांगा गया कि क्या साक्ष्य है कि हम आंख मारे, हमसे ये साक्ष्य मांगा गया कि हम क्या आपको इशाराबाजी कैसे किए, हमने सीसीटीवी कैमरा तो कहीं नहीं लगी है कि हम आपको बता सकते हैं, मेरे साथ हुआ तो हम तो बोल सकते हैं, इससे ज्यादा तो हम नहीं बोल सकते। बहुत बार ऐसा किया है वो? नहीं, पहला बार हुआ, बहुत बार हमसे जब स्थायी समिति में थे तो हमसे बोलता था कि जब स्थायी समिति में किसी एजेंडा पे मेरा विरोध था तो बैठक खत्म होने के बाद बोलते कि आपसे पच नहीं रहा, आप दे दीजिए इस्तीफा। तो उस समय भी हम उसको बोले थे कि आप खबरदार हमसे इस तरह बात नहीं कर सकते, आप मेयर के पुत्र हैं, मेयर बनने की कोशिश मत कीजिए। कहीं ना कहीं इस बात के लिए हमसे लगातार बदला निकाला जाता है। मतलब आज ह्यूमिलिएट किया गया, क्या मंशा थी आंख मारने के पीछे, क्या मंशा? क्योंकि उसका बैठक नहीं चला, बैठक स्थगित हो गया, तो उसको लगा कि कहीं ना कहीं मेरे कारण हुआ, जबकि सभी माननीय पार्षद का क्वेश्चन के कारण हुआ कि जो स्थायी समिति की बैठक में कार्य सूची होती है आपने तो लगाया ही नहीं, और पूर्व में 4 महीना पहले जो आदर्श आचार संहिता के पहले जो बजट पास हुई थी उस बजट पे आपने संपुष्टि ही नहीं किया। 72 वार्ड में जितने पार्षद हैं आपको कितने पार्षदों का साथ मिला है, एक भी पार्षद आपके समर्थन में आया? जी आए हैं, बहुत सारे हैं, पूर्व डिप्टी मेयर हैं, मेयर हैं, 10 की पार्षद है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि सीएम से आप गुहार लगाएंगे इस मामले में? बिल्कुल, हम सीएम से माननीय मुख्यमंत्री जी से यही आग्रह करते हैं कि महिला को आप 50% आरक्षण दिए हैं, इसलिए नहीं कि कोई भी मेयर का सुपुत्र हो या पार्षद प्रतिनिधि हो जाके बैठ के और माँ को फोन करे कि तुम नींद आ रहा है तो तुम पार्षद को जवाब दो, सो मत। बहुत सारी ऐसी चीज होता है जिसको लेकर वो बैठा रहता है, तो हम बस उनसे यही आग्रह चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि हम महिला हैं, हम महिला को न्याय दिलाएं और इस तरह का कभी अभद्रता का व्यवहार नहीं करे वो मेयर पुत्र मेरे साथ, और ना वो बोर्ड की बैठक में बैठे, क्योंकि अगर देखा जाए तो बोर्ड का बैठक हम माननीय पार्षदों के साथ होता है, अधिकारी के साथ, वो ऑथराइज ही नहीं है, उसके बाद भी बैठता है, यानी कि सीधे सीधे मेयर बैठाती है जानबूझ के, कहीं ना कहीं वो नहीं बोल पाती है, नहीं कुछ कह पाती है तो बेटा से कहलवाती है। प्रशासन भी वहाँ गया, इंद्रदीप चंद्र बंसी है वो भी बहुत गंदा बोलने लगा, कहा कि स्थायी समिति से हटा दिया गया इसलिए ये बदला निकाल रही है। 48 वार्ड के वो पार्षद और स्थायी समिति के मेंबर है, तो वो हम पे हाथ भी चला दिया, इसको इंद्रदीप चंद्र बंसी हाथ चला दिया, तो कुछ पार्षद मिल के ठेल के उनको अलग कर दिए। तो हम यही कहना चाहते हैं कि जब हमारे सूबे के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग को 50% आरक्षण दिए हैं कहीं ना कहीं आगे बढ़ने का, अपनी बात खुद से रखने का, तो फिर मेयर सुपुत्र वहाँ क्या करते हैं, यानी कि उनकी आदेश का धजिया उड़ाते हुए वो बैठता है। और ये सिर्फ साजिश है कि अगर कोई भी विरोध में बोले या उनका बोला हुआ, उनका किया हुआ अगर नहीं बोले तो सीधे वो टॉर्चर करवाती है, जैसा कि मेयर अपने बेटा से करवाई और इंद्रदीप चंद्र बंसी से करवाए। तो बस हम यही आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कहना चाहते हैं और उनको लेटर भी लिखेंगे कि इस तरह का व्यवहार हम महिला के साथ ना करें, नहीं तो इलेक्शन लड़ने से 100 बार हम लोग सोचेंगे इलेक्शन लड़े के लिए। अगर कोई भी बात हकीकत कोई भी माननीय पार्षद सदन में रखती है तो उनको दबाया जाता है, उनको टारगेट किया जाता है, और पहले से भी हमको टारगेट किया गया, हमेशा हमको टारगेट किया गया। आप उनके खिलाफ कंप्लेंट करिएगा?
हम ये वहाँ बोल दिए मेयर मैडम को कि अब की बोर्ड की बैठक में अगर ये दिखा तो हम महिला आयोग में जाएंगे, हाई कोर्ट में जाएंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाएंगे, हमको जहाँ जाना होगा हम वहाँ जाएंगे, हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि एक बार कोई भी महिला बर्दाश्त कर लेगी बार बार नहीं करेगी।